हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सभी बच्चों का स्वागत है। युवराज बैच की क्लासेस चल रही हैं, लेक्चर नंबर 13 लेके हम आपके सामने हैं। हम लोग टेस्ट यहां पर करेंगे और टेस्ट होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके पहले हम 4 टेस्ट कर चुके हैं और जैसा कि दिख रहा आपको थंबनेल में, ये है हमारा टेस्ट नंबर 5 और लेक्चर नंबर 13 पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 21 7 है और करने जा रहे हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे अफर्मेटिव, फिर आएगा हमारे पास निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसा कि हम पहले से कराते हैं। चलिए तो युवराज बैच के बच्चे हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। जब मैं स्कूल जा रहा था, ओके, तो इसका है व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल सही है, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है, देखिए अगला है, 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियां बेच रही थी। अ गर्ल ऑफ 9 इयर्स ओल्ड वाज सेलिंग बास्केट्स। ओके, अ गर्ल, अ ब्यूटीफुल तो आपने कहा ही नहीं, अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इयर्स, इयर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अगर 9 साल है तो 9 ही बोलेंगे, यस, तो समझ में आ जाएगा कि 9 साल है, ये मॉडर्न इंग्लिश है। अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वॉज सेलिंग बास्केट्स, लगाइए बास्केट नहीं बास्केट्स, ओके, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वॉज सेलिंग बास्केट, तो इसको भी आपको बास्केट्स सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था, बताइए वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था, क्या होगा इसका? देखिए आप पहली चीज यहाँ पर गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं खड़ा था। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे रहा तो कुछ लगा नहीं है। देखिए खड़ा था मतलब तब भी वो काम जारी था, तभी काम चल रहा था, और चल रहा था मतलब वो कंटिन्यूअस है, मतलब स्टैंडिंग आएगा, स्टैंड नहीं आएगा, ओके, तो क्या होगा? अ नॉटी बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, भले ही यहाँ पर खड़ा था बोल रहा है, परंतु क्योंकि वो काम चल रहा है, और अगर काम चल रहा होता है ना, तो बच्चों क्या होता है अपने पास में, कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टैंडिंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्टैंडिंग। तो अ नॉटी बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, ओके, अ नॉटी बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर। चलिए अगले टेंस की ओर चलते हैं। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। ओके, वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, आपने कहा ही वॉज स्टेयरिंग हिम, देखते हैं ही वॉज स्टेयरिंग एट हिम या एट हर आएगा, ओके, और एट ना भी लगाएंगे तो चल जाएगा, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग में ऑटोमेटिकली एट इंक्लूड हुआ करता है, ऐसा समझ लो आप अपने लेवल पे। सो ही वॉज स्टेयरिंग एट हिम या ही वॉज स्टेयरिंग एट हर या ही वॉज स्टेयरिंग हर, दोनों ही चल जाएगा। स्टेयरिंग की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, STARING, ये गाड़ी की स्टेयरिंग नहीं है, स्टेयरिंग यानी घूरना, STARING, स्टेयरिंग यानी कि घूरना होता है, ओके, टकटकी लगा के देखना होता है। चलिए, ठंडी हवा चल रही थी। कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, ओके, आपने कहा कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, लेट सी क्या सही है, द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बिल्कुल सही, फुल मार्क्स, द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, हवी ठंडी हवा चल रही थी हो चुका है। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे थे, लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे थे, बताइए, हाँ हाँ, पीपल वर बाइंग थिंग्स ऑफ देयर यूजेस, पीपल वर बाइंग थिंग्स ऑफ देयर यूजेस, चलिए देखते हैं, द पीपल वर बाइंग थिंग्स ऑफ द थिंग्स देयर, सॉरी, द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, बिल्कुल सही, या थिंग्स दे नीडेड वो भी चल जाएगा, है ना, द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, देयर नीडेड थिंग्स, ठीक है ना, या नीडफुल थिंग्स भी बोल सकते हैं, उनकी जरूरत की चीजें, द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, ओके, और द पीपल वर बाइंग द थिंग्स दे नीडेड, है ना, उनकी जरूरत की चीजें, द थिंग्स दे नीडेड, ये इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा सेंटेंस है, लिख लीजिए इसको कॉपी में रोक करके, द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, उनकी जरूरत की चीजें, लोग अपनी जरूरत की चीजें, अपनी के लिए यहाँ पर देयर का यूज होगा, ओके, देयर नीडेड थिंग्स, द पीपल वर बाइंग, द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा, द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, ओके, द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स,
चलिए अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बताइए। सम बॉयज वर सिटिंग एट द सिटिंग बिलो एट द ट्री। देखिए बिलो के बाद एट नहीं लगता, एक बात मैं आपको बता दूं, है ना। सम बॉयज वर सिटिंग अंडर अ ट्री, है ना, पेड़ के नीचे या बिलो द ट्री बोल सकते हो या अंडर अ ट्री। वैसे छाया वगैरह के लिए अंडर इस्तेमाल होता है, मैं आपको बता दूं, है ना। अगर आप किसी चीज़ की छाया वगैरह ले रहे हो, है ना, तो किसी छाया के अंदर बैठे हुए, छत के अंदर बैठे हुए हो, तो आप वहाँ पर अंडर द ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो सम बॉयज वर सिटिंग अंडर द ट्री। चलिए अगला देखिए, एक छोटा बंदर कार चला रहा था। देखिए वन नहीं आएगा, आएगा ए स्मॉल मंकी। ओके, आपने कहा स्मॉल मंकी वॉज ड्राइविंग अ कार, स्मॉल मंकी वॉज ड्राइविंग द कार, बिल्कुल सही है, स्मॉल मंकी वॉज ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट देखिए, सोनू निगम स्टेज पर गाना गा रहा था, बहुत ही सिंपल। सोनू निगम वॉज सिंगिंग सॉन्ग एट द स्टेज। सोनू निगम वॉज सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर है भाई तो ऑन लगेगा। सोनू निगम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, समझ गए, याद रखिएगा, सिंग अ सॉन्ग होता है तो आई एन जी लगाया जाएगा, तो सिंगिंग आ मत भूलिएगा, है ना, ओनली सॉन्ग नहीं आएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। क्लियर है बच्चे, सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन अ स्टेज। मोर जंगल में नाच रहा था। पीकॉक वॉज द पीकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। ओके, द पीकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। सो मोर जंगल में नाच रहा था, मतलब कि द पिकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। ओके, चलिए इसके तो ये एक्सरसाइज हमारी गाइज हो चुकी है, हमारे पास अफर्मेटिव। अब इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव के एक्सरसाइज पर, है ना। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ये आपके सामने निगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, ये देखिए थोड़े से छोटे कर दिया, यस ये हैं आपके निगेटिव सेंटेंस, एक्सरसाइज नंबर 22। बताइए पहला, मैं अपने कमरे पर बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। मैं अपने कमरे पर बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था, बताइए। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर व्हाइल सिटिंग। व्हाइल सिटिंग, मैं अपने कमरे की बात तो आपने यहाँ पर की ही नहीं। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर इन माई, I was not writing a letter in my room while sitting. Okay, देखते हैं आपने सही बताया है गलत बताया है। ओके, देखिए आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर सिटिंग इन माई रूम, इसको नोट करिए, अच्छा है, और ये आपसे गलत कर दिया आपने। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, केवल इतना लगाना है, सिटिंग इन माई रूम, वाइल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। वाइल जब लगता, वाइल का मतलब होता है जब, आप कॉपी में लिख लीजिए, वाइल का मतलब होता है जब, समय को बताने के लिए तब लगाया जाता है ये जब, है ना। इसलिए आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर सिटिंग इन माई रूम, आज राइट आई वॉज नॉट, मैं अपने कमरे पर बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। ओके, इसमें सिंपल आएगा राइटिंग अ लेटर सिटिंग इन माई रूम, क्योंकि तब भी बैठने की बात की जा रही है, कंटिन्यूसली बैठा होगा बंदा, तो सिटिंग लगेगा, सिटिंग इन माई रूम, sitting in my room, I was not writing a letter sitting in my room, I was not writing a letter sitting in my room. वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। She was not talking to me on the phone. She was not talking to me by phone, है ना, she was not talking to me, okay, on phone भी कर सकते हो, है ना, फोन से का मतलब यहाँ पे निकल आ रहा, फोन से, बट उसने कहा फोन पर, she was not talking to me on phone, है ना, तो आप यहाँ पे ऑन फोन भी लगा सकते हैं, बाई फोन भी सही है, सी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी ऑन फोन, है ना। ओके, तो यहाँ पर बेटर है कि आप यहाँ पर ऑन लगाएं, ओके, बेटर प्रपोजिशन, क्योंकि पर है हिंदी में, तो ऑन लगाइए, सी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी ऑन फोन, सी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी ऑन फोन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले की तरफ, वे मैदान पर बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे। मैदान में लगा है, में सिटिंग इन, सिटिंग इन द ग्राउंड, देखिए
they were not reading a newspaper sitting in the field or in the ground. Okay, they were not reading a newspaper sitting in ground. May की बात हो रही है, तो may के लिए मैंने आपको बताया था, क्या लगता है? In लगता है, क्योंकि मैदान के कहीं पर, मैदान के अंदर की बात हो रही, तो in लगेगा. वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी. She was not talking to me on the phone. Okay, एक मिनट, मैंने कोई गलत पढ़ लिया क्या? वह फोन पत्र नहीं लिख रहे थे, वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी. चलिए, यहाँ पर गलती हो गई है प्रिंटिंग में, तो क्या होगा? शी वॉज नॉट टॉकिंग मी ऑन फोन. ओके, शी वॉज नॉट टॉकिंग मी ऑन फोन, ठीक है ना? अच्छा, ये हो चुका है, राइट. हम लोग ऊपर कर गए, ये तो शायद ऊपर था. शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी बाई फोन या ऑन फोन. हाँ, बिल्कुल हो चुका है. शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी ऑन फोन, ये भी हो चुका है. दे वर नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर भी हो चुका है. मैं मैदान पर बैठ करके न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे, ये भी कर लिया. हम अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे. वी वर नॉट मेकिंग नॉइस इन आवर, मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस इन आवर क्लास, इन आवर क्लास. ओके, देखते हैं. वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन आवर क्लास, बिल्कुल सही बताया आपने. वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन आवर क्लास. नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था. सर्वेंट वॉज नॉट ब्रॉटिंग, ब्रॉटिंग, ये तो कुछ होता नहीं है, बाइंग होता है. ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट तो ब्रिंग ही, ब्रिंगिंग हो जाएगा या बाइंग हो जाएगा. खरीदने के लिए बाइंग बोलेंगे, मगर यहाँ पे लाना है तो बाई यूज नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिंग होगा, क्योंकि लाने के लिए ब्रिंग होता है, खरीद नहीं रहा है. अगर खरीदना होता तो यूज होता. बॉट तो थर्ड फॉर्म है, बट यहाँ पर थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है? यहाँ तो लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. चलिए, तो इसमें आप जीरो दे दीजिए, आपको नहीं बना है. सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. ओके, देखते हैं. द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट होगा. ओके, द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग द मार्केट फ्रॉम द वेजिटेबल, तो आपने बिल्कुल सही बोला है. द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो एक बार फिर से बोलिए. नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था, बोलिए क्या होगा? द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, बिल्कुल सही. चलिए, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी. ओके, तो देखिए आपने कहा है द गर्ल्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल सही. द गर्ल्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी. ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे. These boys were not flying the kite. बिल्कुल सही है. अब वैसे यहाँ पे kites होगा, क्योंकि एक पतंग तो होगी नहीं, कई सारे बच्चे हैं. These boys were not flying the kites. चलिए next question है. खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे. The players were not playing match. The players were not playing the match. बिल्कुल सही. The players were not playing the match. बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे. ओके, देखते हैं. द चिल्ड्रन वर नॉट बाथिंग इन द रिवर. ओके, या टेकिंग बाथ, बिल्कुल सही है, दोनों ही चलेगा. द चिल्ड्रन वर नॉट बाथिंग इन द रिवर या टेकिंग बाथ इन द रिवर. माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था. गार्डनर वाज नॉट वाटरिंग, यस बिल्कुल सही है. द गार्डनर वॉज नॉट, पानी देना मैंने बताया था, वाटरिंग द प्लांट्स. द गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आने वाले हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे. चलिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 23 में सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं. पहला है, क्या आसमान में सितारे चमक रहे हैं? बताइए, क्या आसमान में सितारे चमक रहे हैं, बोलिए क्या होगा? देखिए, आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस, और आपके पास रहे थे लगा है, तो डू आने की तो बात है ही नहीं है. और क्योंकि सितारे हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा? वर से. वर, हाँ, वर द स्टार्स
चलिए देखते हैं, वर द स्टार शाइनिंग इन द स्काई, बिल्कुल सही है, वर द स्टार शाइनिंग इन द स्काई, बट पहले आपने डू बोला था तो जीरो दे दीजिए, क्योंकि वर से फिर मैंने आपको बताया है, वर द स्टार शाइनिंग इन द स्काई। आप अच्छे से देखा करिए सेंटेंस को, डू के लिए ता है, ती है, ते है लगता है, और ये रहा था, रही थी, रहे थे, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस में दो चीज़ होती है, या तो वाज या तो वर, ठीक है ना, सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर। चलिए, क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, वॉज द प्यून रिंगिंग द बेल, बिल्कुल सही बात है, वॉज द प्यून रिंगिंग द बेल। क्या सुनार अंगूठी बना रहा था, शायद मैंने यहाँ पे रहा है बोल दिया था, माफ कीजिएगा, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, वॉज द प्यून रिंगिंग द बेल, क्या सुनार अंगूठी बना रहा था, वॉज द गोल्ड स्मिथ, ओके, वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग, ओके, अंगूठी के लिए अ रिंग इस्तेमाल होगा, रिंग के सामने कॉन्स्टेंट है ए लगेगा, क्योंकि रिंग आर से स्टार्ट हो रही है, ए लगेगा, कोई खास चीज नहीं है, है ना, वैसे मेकिंग द रिंग भी लग सकता है, क्योंकि सोने की एक विशेष चीज है, तो मेकिंग अ रिंग भी चलेगा और मेकिंग द रिंग भी चलेगा, दोनों पे आपको वन मार्क्स मिल जाएंगे। वॉज अ गोल्ड स्मिथ मेकिंग द रिंग, क्या गली में ठंडी हवा चल रही है, गली को स्ट्रीट बोलते हैं, बोलिए क्या गली में ठंडी हवा चल रही है, चल रही थी, माफ कीजिएगा, क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी, देखिए जब आपने वॉज पहले लगा रखा तो दो बार नहीं लगाएंगे वॉज, एक बार ही, वॉज द कोल्ड विंड, वॉज द कोल्ड विंड ब्लोइंग इन द स्ट्रीट, वॉज द कोल्ड विंड ब्लोइंग इन द स्ट्रीट, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही, वॉज द कोल्ड विंड ब्लोइंग इन द स्ट्रीट। क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी, देखिए नाम के आगे कभी दा नहीं लगता, मैंने आपको बताया था, वॉज माधुरी होगा ओनली, वॉज द माधुरी, वॉज द माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज, ये गलत लगा है, द माधुरी नहीं होगा, वॉज माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज, क्योंकि नाम के आगे कभी द नहीं लगता, वॉज माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज, ओके। चलिए, क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे थे, वॉज द टीचर, चलिए देखते हैं, क्या इसका वॉज द टीचर स्कोल्डिंग द स्टूडेंट, टू नहीं आएगा, वॉज द टीचर स्कोल्डिंग द स्टूडेंट, ओके, टू नहीं लगता है, वॉज द टीचर स्कोल्डिंग द स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही थी, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, विद्यार्थियों को धमका रहे थे, तो याद रखिएगा यहां पर को भले लगा है, मगर इंग्लिश में प्रपोजिशन टू यूज नहीं होगा, स्कोल्डिंग टू स्टूडेंट नहीं होगा, स्कोल्डिंग स्टूडेंट होगा, जैसे बीटिंग स्टूडेंट्स होगा, बच्चों को मारना, तो बीटिंग टू नहीं आता है, ओनली बीटिंग स्टूडेंट्स होता है, ओके यस, तो ऐसे ही कुछ जगह में आपको याद रखना पड़ेगा, हालांकि आप गलत नहीं है, मगर रूल होते हैं इंग्लिश के कुछ ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्कोल्डिंग टू स्टूडेंट नहीं होता है, स्कोल्डिंग स्टूडेंट है ना। हाँ चलिए, जैसे गाने को गा रही थी, तो सिंगिंग टू सॉन्ग नहीं होता, सिंगिंग का सॉन्ग होता है, गाती किसको है, गाने को गाना, मैंने एक सुंदर गाने को गाया, गीत को गाया, गीत को गाया है ना, अब आता तो वैसे को है, बट उसके लिए सिंगिंग टू सॉन्ग नहीं होता, ओनली सिंगिंग का सॉन्ग होता है ना। चलिए अब बताइए, क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही थी, बताइए क्या होगा, अब ये क्या कर दिया आपने, वर द गर्ल्स के बाद फिर वॉज लगा रहे हैं, वर द गर्ल सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, बिल्कुल सही है, वर द गर्ल सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, क्या स्टेज पर कोई भाषण दे रहा था, क्या स्टेज पर कोई भाषण दे रहा था, बताइए, अब बताइए क्या होगा, सोचिए कोई के लिए क्या लगेगा, कोई वो नहीं हो सकता, स्टार्ट तो वाच से ही होगा, चलिए जीरो दे दीजिए आपने इसको, इसमें आप जीरो दे दीजिए, देखते हैं इसका क्या है, इसका है वॉज, कोई के लिए एनीवन, कोई के लिए
anyone. Was anyone delivering the speech on the stage? Was anyone, मैंने बताया था भाषण देना मतलब deliver है ना, deliver तो delivering लग जाएगा, दे रहा था, delivering the speech on the stage, मंच पर, भाषण पर, मंच पर. क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी? क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी? अब देखिए यहाँ पर रही नहीं है, मगर जिस समय ट्रेन स्टेशन पर थी तो उस समय ऑलरेडी वो काम चल रहा था खड़े होने का, तो खड़ी थी या खड़ी रही थी बात एक ही है ना, कोई चीज़ खड़े होना या खड़े रहना बात एक ही है, क्योंकि काम तो आप तब भी कर रहे हो ना जब आप खड़े हो, तो काम चल रहा है, मतलब यहाँ पे ना दिखते हुए भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है. क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस. बताइए क्या होगा. क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी? वॉज द ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन. ओके, वॉज द ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द, ना आएगा स्टेशन पर, स्टेशन जगह है तो आएगा एट. क्या आएगा? एट. ओके, स्टेशन पर, और पर यानी क्या होता है? एट है ना, स्टेशन पर. देखिए स्टेशन पर, स्टेशन एक जगह है, और जब आप किसी जगह में, थोड़ी सी जगह में आप बैठते हैं तो वहाँ पे एट लगता है ना. स्टैंडिंग ऑन मतलब स्टेशन के ऊपर नहीं होगा, स्टेशन पर, स्टैंडिंग एट स्टेशन. ओके, स्टैंडिंग एट द स्टेशन. क्लियर हुआ? वॉज द ट्रेन स्टैंडिंग एट द स्टेशन. ऑन द स्टेशन सही नहीं है. ओके, स्टेशन पर को एट द स्टेशन बोलते हैं. चलिए, क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे? वर, हाँ, वर द बॉयज वॉचिंग अ फिल्म एट ही. देखिए रविवार है ना, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन, देखिए यस, देखिए अगर आप हफ्ते के दिन के लिए बात करते तो ऑन आता है. क्या आता है? ऑन. अगर आप समय की बात करेंगे तो एट आएगा, एट 3 o'clock. वर द बॉयज वॉचिंग द फिल्म ऑन संडे, है ना, तो आप अगर आपने ऑन लगाया है तो दे दीजिए सही मार्क्स है, फुल मार्क्स, नहीं तो 0 दे दीजिए. वर द बॉयज वॉचिंग द फिल्म ऑन संडे, बिल्कुल सही. चलिए क्लियर हो गया आपका.